दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर, और मैं हूं विपिन यादव। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको और जानकारी ये दे दूं कि मैं अनअकैडमी का वेरीफाइड एडुकेटर हूं, आप मुझे अनअकैडमी पर भी फॉलो कर सकते हैं। और हाँ, नीचे मैंने अपने व्हाट्सएप का लिंक भी दे दिया है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दिया है, आपको व्हाट्सएप पर भी जुड़ सकते हैं। और हमारा टेलीग्राम पर भी मैथ मस्ती चैनल है, टेलीग्राम पर आप इसलिए जुड़िए क्योंकि जितने भी पीडीएफ होते हैं या वीडियो के लिंक होते हैं वहाँ भी अवेलेबल होते हैं, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो आप वहाँ पर ले सकते हो, जैसे पीडीएफ हो जाए या वीडियो का लिंक हो जाए तो वहाँ पर मिल जाएगा। और नीचे व्हाट्सएप पर भी आप जुड़ सकते हैं, तो व्हाट्सएप का लिंक नीचे दिया हुआ है, व्हाट्सएप पर भी जा सकते हैं। और हाँ दोस्तों, अब शुरू करते हैं आगे का क्लास। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर में सब्सक्राइब बटन होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे क्या होगा कि मैं जितनी भी वीडियो डालूंगा, किसी वीडियो का कोई भी वीडियो आपको छूटेगा नहीं, हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास। और मैं इम्तियाज आलम, आज आपका क्लास डिग्री का हॉट टिप्स है। हाँ, आज का क्लास आपका डिग्री का हॉट टिप्स फॉर्मूला है ना। मैंने फर्स्ट पार्ट, सेकंड, थर्ड सब पढ़ा दिया, क्वेश्चन बनाना भी सिखा दिए है ना। और आज हॉट टिप्स, हॉट टिप्स उसका हॉट फार्मूला है ना। कैसे पहचानेंगे, जैसे कि हम लोग पीडी फर्स्ट पार्ट में पढ़े हैं, सेकंड पार्ट में भी, थर्ड पार्ट में भी, कंपरेटिव फर्स्ट पार्ट में भी, सेकंड पार्ट में भी और थर्ड पार्ट में भी, सुपरलेटिव फर्स्ट पार्ट में नहीं पढ़े हैं, सेकंड पार्ट में पढ़ना है और थर्ड पार्ट में भी। तो हमको ये कैसे मालूम चलेगा कि पॉजिटिव डिग्री अभी कौन सा पार्ट का है, हमको ये कैसे मालूम चलेगा कंपरेटिव डिग्री अभी कौन सा पार्ट का है, इसी को अभी बताएंगे। ठीक है, बनाना सिखा दिए, थोड़ा सा और उसको क्लियर कर देते हैं। ठीक है, देखते हैं, हॉट टिप्स है पार्ट फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, पॉजिटिव, कंपरेटिव और सुपरलेटिव। तो पॉजिटिव डिग्री अगर फर्स्ट पार्ट का रहेगा तो एज एज एडजेक्टिव वन रहेगा, एज एज एडजेक्टिव वन रहेगा। तो ये तो सब पार्ट में है पॉजिटिव का, एज एज एडजेक्टिव वन, वो तो सब पार्ट में है ना, वो तो आपको सब पार्ट में मिलेगा। ठीक है, तो इसका पहचानेंगे कैसे कि ये फर्स्ट पार्ट का पॉजिटिव डिग्री है। तो फर्स्ट पार्ट के पॉजिटिव डिग्री में इधर भी सब्जेक्ट होगा और उधर भी सब्जेक्ट होगा। हाँ, इधर भी सब्जेक्ट होगा और उधर भी सब्जेक्ट होगा। इधर राम है तो उधर श्याम है, इधर दिल्ली है तो इधर मुंबई है। ठीक है, इधर विराट कोहली है तो इधर रोहित शर्मा है ना, डबल डबल सब्जेक्ट होगा। क्लियर, मैंने एग्जांपल में बताया भी है क्वेश्चन में। ठीक है, और पॉजिटिव डिग्री का सेकेंड पार्ट कैसे पहचानेंगे, पॉजिटिव डिग्री का सेकेंड पार्ट कैसे पहचानेंगे, पॉजिटिव डिग्री का सेकेंड पार्ट में नो अदर लगा रहेगा। स्टार्टिंग अगर नो अदर से होगा तो वो आपका सेकेंड पार्ट का पॉजिटिव डिग्री होगा। हाँ, स्टार्टिंग अगर नो अदर से होगा तो वो सेकेंड पार्ट का पॉजिटिव डिग्री होगा। नो अदर बॉय इन द क्लास, नो अदर कंट्री इन द वर्ल्ड, ऐसे कुछ भी रहेगा तो आपका वो सेकेंड पार्ट का पॉजिटिव डिग्री होगा। ठीक है, थर्ड पार्ट का पॉजिटिव कैसा होगा, थर्ड पार्ट का पॉजिटिव कैसा होगा, थर्ड पार्ट के पॉजिटिव में वेरी फ्यू लगा रहेगा। क्या लगा रहेगा, वेरी फ्यू लगा रहेगा, वेरी फ्यू लगा रहेगा। थर्ड पार्ट का जो भी पॉजिटिव आएगा उसमें वेरी फ्यू लगा होगा, वेरी फ्यू जहां भी लगा होगा वो थर्ड पार्ट का पॉजिटिव डिग्री होगा। ठीक है, तो पॉजिटिव फर्स्ट सेकेंड थर्ड सब में हम लोग को समझ में आ गया कब कैसा रहेगा, तो हम क्या उसको पहचानेंगे। ठीक है, कंपेरेटिव में आते हैं। अब कंपरेटिव में, कंपरेटिव में एडजेक्टिव टू और देन लगा रहेगा। हाँ, एडजेक्टिव टू और देन लगा रहेगा, तो कंपरेटिव का तो सब पार्ट में ऐसा होगा, फर्स्ट में भी लगा होगा टू और देन, थर्ड में भी लगा होगा, सेकंड में भी लगा होगा। तो हम कैसे पहचानेंगे कि फर्स्ट पार्ट का कंपरेटिव है कि सेकंड पार्ट का है कि थर्ड पार्ट का है। तो फर्स्ट पार्ट के कंपरेटिव में इधर भी सब्जेक्ट होगा
और उधर भी सब्जेक्ट, दोनों साइड सब्जेक्ट होगा, इधर भी सब्जेक्ट और उधर भी सब्जेक्ट होगा। राम इज टॉलर देन श्याम, इधर राम उधर श्याम, है ना। कोलकाता इज बिगर देन पटना, इधर कोलकाता उधर पटना, डबल डबल सब्जेक्ट है ना, डबल डबल सब्जेक्ट है ना। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट का कंपेरेटिव होगा, ठीक है। नेक्स्ट, सेकेंड पार्ट का कंपेरेटिव कैसा होगा, सेकेंड पार्ट का कंपेरेटिव कैसा होगा, तो उसमें एनी अदर प्लस एशियन, ऑल अदर प्लस पिशियन लगा रहेगा। हाँ, एनी अदर एशियन, ऑल अदर पिशियन, ये लगा रहेगा सेंटेंस में। हम लोग जान जाएंगे कि ये सेकेंड पार्ट का कंपेरेटिव डिग्री है, और ऐसा वाला क्वेश्चन आप लोग बनाए हैं एग्जाम्पल में, है ना, बनाया गया है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। हाँ, बनवाए हैं क्वेश्चन, है ना, एनी अदर एशियन, ऑल अदर पिशियन। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे नेक्स्ट इसमें थर्ड पार्ट के, हाँ थर्ड पार्ट के, थर्ड पार्ट के कंपेरेटिव में क्या लगा रहेगा, थर्ड पार्ट के कंपेरेटिव में आपका मोस्ट अदर लगा रहेगा। क्या लगा रहेगा, मोस्ट अदर लगा रहेगा, थर्ड पार्ट के कंपेरेटिव में मोस्ट अदर लगा रहेगा, मोस्ट अदर, वो आपका थर्ड पार्ट का कंपेरेटिव होगा, ठीक है, थर्ड पार्ट का कंपेरेटिव। सुपरलेटिव में आते हैं, अब सुपरलेटिव की बारी है ना, तो क्रॉस मैंने किया है, क्रॉस किया है, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में सुपरलेटिव डिग्री नहीं होता है, इसलिए नहीं होता है कि पॉजिटिव में भी इधर भी सब्जेक्ट है उधर भी सब्जेक्ट है, कंपेरेटिव में भी इधर भी सब्जेक्ट है और उधर भी सब्जेक्ट है, लेकिन सुपरलेटिव में तो एक ही सब्जेक्ट होगा ना जी, एक ही को सुपर बताना पड़ेगा, राम टॉल है तो सबसे टॉलेस्ट है तो राम ही होगा, तो फिर उधर श्याम कैसे होगा, नहीं ना होगा, ठीक है। तो इसीलिए फर्स्ट पार्ट में सुपरलेटिव डिग्री नहीं बनता है, क्लियर। तो मैंने क्रॉस यहां कर दिया, ठीक है, आगे देखा जाए। अगला है सेकेंड पार्ट का सुपरलेटिव में, सेकेंड पार्ट के सुपरलेटिव में आपका द लगा रहेगा और एडजेक्टिव थर्ड रहेगा, द लगा रहेगा और एडजेक्टिव थर्ड होगा। तो आप बोलेंगे कि सुपरलेटिव तो जो भी रहेगा उसमें द लगा रहेगा और एडजेक्टिव थर्ड लगा रहेगा, हाँ सही बोल रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तो ऐसा रहेगा तो आपका ये सेकेंड पार्ट का, सॉरी थर्ड पार्ट का सुपरलेटिव होगा। लेकिन थर्ड पार्ट के सुपरलेटिव में, थर्ड पार्ट के सुपरलेटिव में द तो लगा रहेगा, एडजेक्टिव थर्ड भी रहेगा, लेकिन इसमें वन ऑफ द लगा रहेगा। क्या लगा रहेगा, वन ऑफ द, हाँ अगर द लगा रहेगा और एडजेक्टिव थर्ड होगा ओनली, तो वहां पर वो सेकेंड पार्ट का सुपरलेटिव होगा, और वन ऑफ द लगा रहेगा एडजेक्टिव थर्ड होगा तो वो थर्ड पार्ट का सुपरलेटिव होगा। अब तो क्लियर है, वन ऑफ द जहां भी लगा रहेगा वो क्या होगा, थर्ड पार्ट का सुपरलेटिव होगा। चलिए कुछ एग्जाम्पल बोलते हैं, रोहित शर्मा इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बैट्समैन इन द वर्ल्ड, वन ऑफ द लगा हुआ है तो थर्ड पार्ट का सुपरलेटिव, ठीक है। हाँ, रोहित शर्मा इज द ग्रेटेस्ट बैट्समैन, ये क्या हो जाएगा, सेकेंड पार्ट का सुपरलेटिव, ठीक है। तो वन ऑफ द लगा रहेगा तो थर्ड पार्ट का सुपरलेटिव, और वन ऑफ द नहीं लगा रहेगा ओनली द होगा और एडजेक्टिव थर्ड होगा तो वो सेकेंड पार्ट का सुपरलेटिव, क्लियर। चलिए अब आगे देखते हैं, इसमें कुछ और भी पॉइंट है जो आप गौर नहीं कर रहे हो, गौर करना पड़ेगा। देखिए, थर्ड पार्ट का जो भी आया है पॉजिटिव कंपेरेटिव सुपरलेटिव, थर्ड पार्ट का जो भी आया है पॉजिटिव कंपेरेटिव सुपरलेटिव, सब में पीसीएन पीसीएन पीसीएन, हाँ सब में पीसीएन 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 आया है, ठीक है। तो कभी भी थर्ड पार्ट का ये फॉर्म आएगा उसके बाद नाउन कैसा आएगा, पीसीएन आएगा, वेरी फ्यू बॉय या बॉयज, तो वेरी फ्यू बॉयज क्योंकि पीसीएन की बात हो रही है, वेरी फ्यू प्लेयर की प्लेयर्स, प्लेयर्स क्योंकि पीसीएन की बात हो रही है, वेरी फ्यू टीचर या टीचर्स, टीचर्स पीसीएन नहीं, अच्छा मोस्ट अदर बॉय या बॉयज, तो बॉयज क्योंकि पीसीएन की बात हो रही है, मोस्ट अदर गर्ल या गर्ल्स, गर्ल्स क्योंकि पीसीएन की बात हो रही है, वन ऑफ द
प्लेयर या प्लेयर्स, प्लेयर्स क्योंकि पीसिन की बात हो रही है। तो थर्ड पार्ट का जो भी आपका आएगा पॉजिटिव कंपेरेटिव या सुपरलेटिव, उसके बाद आने वाला नाउन कैसा होगा? पीसिन होगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चन अगर दे देगा, अभी तो मैं बताया था पिछले क्लास में कि ये फर्स्ट पार्ट का पॉजिटिव है, इसको चेंज करना है कंपेरेटिव में, ये सेकंड पार्ट का पॉजिटिव है, चेंज करना है सुपरलेटिव में, है ना। तो हमको अब करना क्या है, पहचानना तो आ गया कि किस पार्ट में कैसा होता है, ठीक है। तो संस्कृत इज नॉट एज इजी एज हिंदी। अब बताइए किस पार्ट का है सेंटेंस, मैं पूरा पढ़ाया क्लास 1, 2, 3, 4 क्लास, है ना, आज हॉट टिप्स है। तो हम कैसे पहचानेंगे कि ये आपका कौन सा डिग्री का ये पार्ट है, पहचान लेंगे। एज एज लगा हुआ है तो पॉजिटिव तो है ही, इधर भी सब्जेक्ट है संस्कृत, इधर हिंदी है, तो पॉजिटिव डिग्री फर्स्ट पार्ट का। सब्जेक्ट सब्जेक्ट एडजेक्टिव वन एज एज, तो क्या हो जाएगा ये फर्स्ट पार्ट का, हाँ पॉजिटिव। अब बोलेंगे इसको कंपेरेटिव में चेंज करेंगे, तो फर्स्ट पार्ट का जिस पार्ट में जो होगा उसको उसी पार्ट में चेंज करेंगे। अगर कोई क्वेश्चन पॉजिटिव डिग्री का है और वो फर्स्ट पार्ट का है और कंपेरेटिव में चेंज करना है तो फर्स्ट पार्ट के ही कंपेरेटिव में चेंज होगा। अगर कोई क्वेश्चन सेकेंड पार्ट का सुपरलेटिव हो या पॉजिटिव हो या कंपेरेटिव हो, अगर कोई भी एक होगा, अगर उसको चेंज करने के लिए बोला जाएगा तो उसी पार्ट में किसी में जाकर चेंज होगा। ऐसा नहीं कि सेकेंड पार्ट का पॉजिटिव है और थर्ड पार्ट के लाके उसको कंपेरेटिव में चेंज कर देंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका सेकेंड पार्ट का सुपरलेटिव है और थर्ड पार्ट में लाके उसको पॉजिटिव में चेंज कर देंगे, ऐसा नहीं। जिस पार्ट का होगा उसको उसी पार्ट में चेंज करेंगे, ठीक है। तो ये फर्स्ट पार्ट क्या है, तो फर्स्ट पार्ट के कंपेरेटिव में चेंज होगा, है ना। इट मींस कहां, इसमें फर्स्ट पार्ट है ना जी, इसी में चेंज होगा, सुपरलेटिव तो सुपरलेटिव तो होता नहीं है, ठीक है। आगे देखेंगे, अगला है नो अदर सब्जेक्ट। अच्छा, नो अदर, नो अदर जो है आपका वो सेकेंड पार्ट का पॉजिटिव डिग्री है, देख लेते हैं हॉट टिप्स में। नो अदर सेकेंड पार्ट का, नो अदर सेकेंड पार्ट का पॉजिटिव, ठीक है। तो नो अदर आपका सेकेंड पार्ट का पॉजिटिव है। अगर बोलेंगे इसको कंपेरेटिव में चेंज करेंगे, अगर इसको कंपेरेटिव में चेंज करना होगा अगर इसको, तो सेकेंड पार्ट के कंपेरेटिव में चेंज होगा, मतलब यहां एनी अदर वाला में या ऑल अदर वाला में, ऐसा नहीं है कि इसमें चल जाएंगे मोस्ट अदर में, ऐसा नहीं है उसमें चल जाएंगे, नहीं। सेकेंड पार्ट का है तो सेकेंड पार्ट के ही कोई डिग्री में जाकर चेंज होगा, ठीक है। तो इसमें चेंज करेंगे, अगर बोलेगा कि इसी को बोलेगा सुपरलेटिव में चेंज कीजिए, तो ये सेकेंड पार्ट का है, इसका सुपरलेटिव कहाँ है, सेकेंड पार्ट का यहाँ है, तो यहाँ चेंज होगा, इसमें नहीं होगा। हाँ, जिस पार्ट का होगा उसी पार्ट में चेंज करेंगे, ठीक है। वेरी फ्यू, तो आप बताइए वेरी फ्यू कौन सा डिग्री है, तो वेरी फ्यू लगा रहेगा तो आपका पॉजिटिव डिग्री होगा। वेरी फ्यू यहाँ लगा है ना जी क्वेश्चन में, तो वेरी फ्यू लगा रहेगा तो वो पॉजिटिव डिग्री होगा, और किस पार्ट का, थर्ड पार्ट का, थर्ड पार्ट का। तो थर्ड पार्ट का जो पॉजिटिव है हमको बोलेगा कि कंपेरेटिव में चेंज कीजिए या सुपरलेटिव में, तो थर्ड पार्ट के ही कंपेरेटिव में या सुपरलेटिव में चेंज होगा, ऐसा नहीं होगा कि सेकेंड पार्ट में जाकर चेंज कर देंगे, ऐसा नहीं होगा कि फर्स्ट पार्ट में जाकर चेंज कर देंगे। जिस पार्ट का रहेगा उसको उसी पार्ट में चेंज जाकर करेंगे, ठीक। चलिए, तो यहां से आपका जो है डिग्री कंप्लीट होता है। आज हॉट टिप्स मैंने दे दिया है ना, क्योंकि मैंने पार्ट बाई पार्ट पढ़ाया, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट थर्ड पार्ट, ठीक है। और आज मैंने ये हॉट टिप्स भी दे दिया, ऐसे क्या होगा कि आपको याद आराम से रहेगा, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को देखते रहेंगे और जो न्यू व्यूअर हैं वो सब्सक्राइब कर लेंगे और शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और कमेंट जरूर करेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।